कैसे सो रहा है। जरा सी भी करवट ली ना तो इधर नीचे गिरेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे से बोल रहा था मैं अगर उठूंगा नहीं तो मुझे ऐसे करके उठा रहा है, ठोक ठोक के उठा रहा है, ठोक ठोक। मम्मा ने बस वही ठोक ठोक के इसको उठा दिया है। चलो उठो उठो, इसको तो आ रहा है आलस। मैंने अभी दरवाजे को टच किया तो मेरे गीले हाथ थे तो ये खिड़की पे पानी आ गया है। तो यहाँ छिपकली बैठी हुई थी ना तो उसको लगा यहाँ पे कीड़े आए हुए, तो इतना जल्दी भाग के आई ना ये खाने के लिए। छिपकलियों की वजह से ना मैं दरवाजा भी नहीं खोल पाती। फर्नीचर का कलर भी एकदम ब्लैक है, उनका भी कलर ब्लैक ही रहता है ना, तो पीछे चिपक जाती हैं और दिखती भी नहीं है। जब बिल्कुल पास आओ ना तब जाके वो दिखती हैं। मैंने कुकर में रखे हुए हैं आलू बॉयल होने के लिए, बॉयल हो गया, गैस बंद कर दिया है। मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में पराठा आलू। दिख रहा है बहुत पसीना। नाटक मत कर। लो आपका फोन, ये आपका टिफिन। बस 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 सुनती क्यों लेते सुनती यार आएगी तो। अच्छा, सो गाइस थोड़ा सा रेडी सेडी हो गए हैं अब, थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह काम का इतना ज़्यादा वो रहता है ना कि अपने आप को भी मिरर में नहीं देखने का टाइम रहता है। तो सबसे पहले उठती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा योगा वगैरह करती हूँ एंड उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। सो सारे काम वगैरह हो गए, उसके बाद अभी मैं फ्री हो गई हूँ और उसके बाद मैं देखो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ एंड गले का मैंने थोड़ा सा निकाल दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि ऐसा लगता है कि सारा कुछ निकाल दो, कुछ पहनो ही नहीं। तो अभी मैंने गले का निकाल दिया इसलिए मेरा थोड़ा सा गला भी अजीब लग रहा होगा। अभी मैं खा लेती हूँ थोड़ी सी पेस्ट्री और पेस्ट्री की हालत देखो इसने क्या कर दी। इसमें दो पेस्ट्री रखी थी, एक चॉकलेट वाली एक ड्राई फ्रूट्स वाली, इसने दोनों ही ऐसे कर दी हैं। मीठा मीठा सा कुछ खाने का मन हो रहा है, इसको खाते हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम, दोपहर में तो हम लोग खा पी के सो गए थे मस्त दोनों के दोनों। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इसको बैठाला पढ़ने के लिए और ये तो मतलब मुझे नींद आ गई है, मुझे नींद आ गई तो ये मुझे देख के ये भी सो गया है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है जी अब्जी का, तो मैं लेके आती हूँ। ये ऑफिस अभी आए नहीं है क्योंकि मैंने अभी इनसे बात की तो ये बोला मुझे लेट हो जाएगा नहीं तो फिर यही लेके आते। तो मैं जाती हूँ एंड सबसे पहले रुद्रांश को रेडी करती हूँ। सो ये उसका पैंट, चलो चलो चलिए काम कर दें। Hello, how do you know he? Jackalaya, my son, go. इसका स्कूल होने वाला स्टार्ट, सोच रहे हैं इसका हेयर कट करवा देते हैं क्योंकि इसके बाल हो गए हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े, इसका हेयर कट करवाएंगे। Hello guys, आज हम जा रहे हैं नीचे सब्जी लेने, टक टक मेला था वो। Hello guys, welcome to my blog. हम जा रहे हैं अभी नीचे सब्जी मंडी लेने। सब्जी मंडी लेने, सब्जी लेने, सब्जी लेने। स्लीपर पहन के जा रहे सब्जी लेने। रुद्रांश की जो स्लीपर थी ना ये टूट चुकी है, अब उसको स्लीपर लेनी पड़ेगी। एक नानी ने जोड़ाई थी, एक बार और टूट गई थी तो उसकी नानी ने जोड़ दी थी जब वो नानी के घर गया था, बट अब उसकी स्लीपर पूरी तरीके से टूट चुकी है तो दूसरी लेके आनी पड़ेगी हमें, है ना। मास्क लगाने यार ना, इतनी तेज गर्मी लग रही है। वो वाला कर दो, कितना तीन वाला है, ये गोल वाला पैक कर देना। फाइनली जामुन ला चुके हैं और खा चुके हैं हम, सब्र नहीं हो रहा दाम को, है ना। खाने में लगा हुआ है, ये सब्जियां रखी हुई है जो मुझे अभी वॉश करनी है। कड़क कड़क है और इसने आधे से ज्यादा जो जामू है ना रस्ते में ही इसने कर दिए, कुछ कुछ बचे हैं। टाइट है, टाइट। अच्छा टंग दिखा सोमी। आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज टमाटर एंड शिमला मिर्च की सब्जी, जिसको मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के इन तीनों चीजों को मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखो क्या खाने में फ्लाई फ्लाई जैसे हो रहा है। इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लिया, उसके बाद प्याज टमाटर लहसुन अदरक की ये मैंने प्यूरी बना ली है। सो अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, तेल गर्म होगा उसके बाद हम अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। सब्जी में फ्रेंच फ्राई बन गया है। अच्छा आके देखो, आप खा लो, आपको लग रहा ना फ्रेंच फ्राई जैसा, सॉस के साथ खाने का मन हो रहा है मेरा। इसको मैंने फ्राई कर दिया तो इसको ना फ्रेंच फ्राई जैसा फ्लेवर आ रहा है उसमें। थोड़े से निकाल ले तो थोड़े से उबाल, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया, अभी ये पकेगा उसके बाद हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। और दूसरी तरफ देखो ये क्या काम, सारे सब्जी के इसने आलू निकाल लिए हैं,
लो, और सॉस के साथ खा ली है फ्रेंच फ्राइज समझ के। मैं मसाले ऐड करूंगी, धनिया, मिर्ची, हल्दी, मतलब ये सारे नॉर्मल मसाले डालूंगी। थोड़ा सा दही ऐड करूंगी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यूअसली चलाऊंगी मैं इसको, जिससे कि दही हमारा फटे नहीं। सब्जियां सारी मैंने धुल के यहाँ फैला दी हैं एंड, और ये मैं इनके लिए ऑफिस के लिए लंच बॉक्स लेके आई हूँ। ये इस टाइप का है गोल शेप में, तो अब सुबह यूज करेंगे जब इनका टिफिन पैक करेंगे। अभी मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, सुबह वॉश करके लंच पैक करके दूंगी। मैं पानी डाल के इसको पका लिया, और ये देखिए फाइनली हमारी सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। म्यूट करो। सो गाइस, डिनर वगैरह हो गया एंड काफी टेस्टी टेस्टी यमी यमी से सब्जी बनी हुई थी, और मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाई थी तो काफी टेस्टी भी बनी हुई थी, अच्छी लगी। इन्होंने भी खाई है सब्जी, उसका ग्रेवी का जो टेस्ट था ना बहुत अच्छा आ रहा था, उसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल दिया था ना, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा ना टेस्ट आ रहा था। सो बस डिनर वगैरह हो गया है, और ये देख रहा है टीवी, ये भी देख रहे हैं। वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और कई बार ना ऐसा होता है ना, मूड अपसेट रहता है ना, तो उसके वजह से ना वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। इसकी वजह से मैंने ना काफ़ी दिन से ना मैंने वीडियो शूट भी नहीं किया था, और कुछ भी मैंने अपलोड भी नहीं किया। और जब आपका मन ठीक नहीं हो तो आप कुछ शूट भी नहीं कर सकते हो। तो मेरा माइंड मतलब थोड़ा सा है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम ऑन कैमरा नहीं बोल पाते हैं। और जब मूड ख़राब रहता है ना, तो आप ऐसे में क्या ही शूट करोगे, क्या ही दिखाओगे। इसलिए मेरा मन भी नहीं हुआ और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड मिलूंगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।